गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो लेके आऊँ तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों हमने आपके यहाँ आप पर वाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं जिसमें कि आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इससे पहले कि हमारी जो हंड्रेड क्लास है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ पर इतने हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था इस वजह से हम हमारे यहाँ पर क्लास कंटिन्यू रखी तो आज हमने यहाँ पर हंड्रेड क्लास कम्प्लीट कर लिए तो सबसे पहले थैंक यू धन्यवाद दोस्तों और हमने जो आपके यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिन पे कि आपको जो भी नए अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आएंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे तो जिन्होंने अब तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि नए अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और इंस्टाग्राम पर अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो फ़ॉलो कीजिए और इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों जो हमारे फ़िलर फॉर्म एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा यहाँ पर कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इसका तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फ्री नोट्स लाइव क्लासेस सांस हजार प्लस एम सी क्यू पी वाई क्यू क्वेश्चन एंड फ्री ई बुक्स सब कुछ कंटेंट आपका रहेगा बिल्कुल फ्री बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है ऑप्शन है राहुल सचदेवा ऑप्शन बी जस्टिस संजय यादव ऑप्शन सी जस्टिस प्रमोद यादव ऑप्शन डी जस्टिस अनिल कुमार तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट जो कि नए चीफ जस्टिस कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस संजय यादव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को ही यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट संजय यादव एज़ द चीफ जस्टिस हीयर नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के इनमें से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया तो इंग्लैंड का कौन सा बॉलर है जिसने कि एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड कर तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लैंड बॉलर रिकॉर्ड टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट मैचेज फॉर द कंट्री ऑप्शन है जेम्स एंडरसन ऑप्शन बी ओली रॉबिसन ऑप्शन सी जो प्रार्चर ऑप्शन डी जोस बटलर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाली खिलाड़ी बन गए हैं उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टा कुक का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने दो हज़ार छः से अट्ठारह के बीच एक सौ इकसठ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था जेम्स अंडरसन बिकम द मोस्ट टेस्ट प्लेयर फॉर इंग्लैंड एज ही एंटर द सेकेंड मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड फॉर फॉरमर ओपनर एलिस्टा कुक हु रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन वन सिक्सटी वन इंटरनेशनल टेस्ट मैच एज बिटवीन टू थाउजेंड सिक्स एंड टू थाउजेंड एटीन निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर द नेटवर्क फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑप्शन है बिहार ऑप्शन बी पंजाब ऑप्शन सी झारखंड ऑप्शन डी गुजरात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात गुजरात सरकार ने हाल ही में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा सके द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ए वेब पोर्टल एंड ए मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ वर्कर इन द ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर टू प्रोवाइड स्मार्ट कार्ड टू दिस पीपुल टू टेक एडवांटेज ऑफ वेलफेयर स्कीम नेक्स्ट है विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पर भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया तो कितना प्रतिशत की दर से यहाँ पर बढ़ने का अनुमान लगाया गया द वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन है फोर पॉइंट फाइव प्रतिशत ऑप्शन बी सेवन पॉइंट फाइव प्रतिशत ऑप्शन सी नोट ऑप्शन डी एट पॉइंट फाइव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सात पॉइंट प्रतिशत विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो हजार इक्कीस में आठ पॉइंट तीन प्रतिशत और 2022 में 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है विश्व ने कहा कि कोविड-19 महामारी की की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक को नुकसान पहुंचा है। प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट एट पॉइंट थ्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दर्ल्ड सेट देर द मोस्ट डेंजरस सेकेंड वेव ऑफ 19 एपिडेमिक हैज़ हर्ट इकोनॉमिक रिवाइवल नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया तो रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्यूअर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर कौन है महेश कुमार जैन उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया तो है तो ऑप्शन ए तीन साल ऑप्शन बी चार साल ऑप्शन सी दो साल ऑप्शन डी एक साल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दो साल रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है ये बता दें कि जैन को जून 2018 में तीन साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था द टेन्यूअर ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय टू ईयर्स लेटेस्ट टेल यू दैट इन जून June 2018, Jain was appointed deputy गवर्नर ऑफ थ्री years. नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को तीन साल की अवधि के लिए किस बैंक के एम डी और सी ओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूर दी है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को तीन साल की अवधि के लिए किस बैंक के एम डी और सी ओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूर दी है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द री अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोस एज एम डी एंड सी ओ ऑ ऑफिस बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स ऑप्शन ए डी सी बी बैंक ऑप्शन बी बंधन बैंक ऑप्शन सी देना बैंक ऑप्शन डी धन लक्ष्मी बैंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंधन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को तीन साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एम डी और सी ओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हैज्रूड दी अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द एम डी एन सी ऑफ बंधन बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज नाउस टू डोनेट हाउ मेनी मिलियन डजेज ऑफ फाइजर डोजेज ऑफ फाइजर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टू द प्रोरेस्ट पुरेस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड द पेंडेमिक एज सोन एज पॉसिपल यहाँ पर कितनी खुराक यहाँ पर जो दान करने की घोषणा की है जो कि गरीब देशों को यहाँ पर फाइजर कोविड नाइन्टीन जो वैक्सीन है उनको दान करने की घोषणा की तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तो यहाँ पर कितनी यहाँ पर जो वैक्सीन है दान देने की घोषणा की है तो ऑप्शन है पाँच सौ मिलियन ऑप्शन बी चार सौ मिलियन ऑप्शन सी तीन सौ मिलियन ऑप्शन डी दो सौ मिलियन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाँच सौ मिलियन अमेरिका के राष्ट्रपति जो ब्राइडन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की पाँच सौ मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू तो डोनेट फाइव हंड्रेड मिलियन डोजेज ऑफ द फाइजर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टू द प्योरेस्ट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प एन दी पेंडेमिक एज क्विकली एज पॉसिबल नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है तो किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है विच कंट्रिया रिसेंटली पास ए न्यू लॉ अगेंस्ट फॉर एन सेक्शन ऑप्शन भारत ऑप्शन बी नेपाल ऑप्शन सी रूस ऑप्शन डी चीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपने बचाव करना चाहता है चाइना हैज पास ए न्यू लॉ अगेंस्ट फॉरेन सेंक्शन सेक्शन विद दिस लॉ चाइना वांट टू तो डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द यू एस एंड द यूरोपियन यूनियन ऑन ट्रेड एंड ह्यूमन राइट्स धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और धन्यवाद आज जो तो आपने हमको यहाँ पर सपोर्ट किया है जब तो आज हमारे यहाँ पर हंड्रेड क्लास कम्प्लीट हुई है उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और जिन्होंने अब तक हमारी फ़िल्टर फॉर्म ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउनलोड कर सकें धन्यवाद दोस्तों